रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में इतिहास दोहराया। 75 साल पहले पोर्ट ब्लेयर के जिस साउथ पॉइंट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा फहराया था, रविवार को उसी जगह पर पीएम मोदी ने 150 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया। पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा की। हमारी कोशिश है ये द्वीप समूह ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ के बड़े जहाजों का रखरखाव अभी देश के दूसरे हिस्सों में होता है, अब पोर्ट ब्लेयर के डॉकयार्ड को विस्तार दिया जा रहा है। चाथम से बैम्बू फ्लैट जाने में काफी समय लगता था, अब वहां एक पुल बनाने को मंजूरी दे दी गई है। पीएम ने सबसे पहले 2004 में आई भीषण सुनामी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेलुलर जेल की उस कोठरी का भी दौरा किया जहां अंग्रेजों ने वीर सावरकर को कैद करके रखा था।